एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे यी जो था वो एयरपोर्ट जल्दी जल्दी आया था। अब यी और सीईओ दोनों घर की तरफ चलते हैं गाड़ी के अंदर। यी बहुत थका होता है और गाड़ी में बैठे बैठे ही सो जाता है। सीईओ उसकी तरफ देखता है कि वो कितनी गहरी नींद में सो रहा है करके, और साथ में उसके पोजेस भी देखता है कि कभी वो इधर मुड़ के सो रहा है, कभी वो उधर मुड़ के सो रहा है करके। सीईओ ये देख के थोड़ा सा दंग सा रह जाता है कि इतना बड़ा व्यक्ति ऐसे कैसे सो जाता है। तभी मिस जिंग बताती है कि ये जो है बहुत ही टायर्ड है और उसने सारा रात उसने काम किया है करके, और उसने अपने सारे सीन्स को फिनिश कर लिए थे इस आफ्टरनून में, और उसके बाद वो डायरेक्टली एयरपोर्ट आ गया और उसको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला है करके। सीईओ एक बार फिर से यी को सोता हुआ देखता है। इस बार भी ये बहुत गहरी नींद में लग रहा होता है। तभी सी अपने ड्राइवर को बोलता है कि थोड़ा धीरे चला और थोड़ा स्टेबल होके चला। तभी ड्राइवर बोलता है ओके सर, और फिर सीईओ से साइड नजर से देखता है कि ये का सिर एक तरफ झुक रहा है। तो सीईओ उसके सिर के नीचे अपना हाथ रखता है और उसको अपने कंधे पे सिर रख के लिटा सा देता है आधा सा। अब क्या होता है कि ये को अभी भी कुछ पता नहीं होता है कि वो सीईओ का कंधा यूज करके सो रहा है करके। अभी सीईओ ये को बहुत प्यार भरी नजर से देखता है। साथ में जिंग को भी काफी क्यूरियोसिटी होती है कि आखिरकार इनके बीच में चल क्या रहा है करके। और तभी सीईओ ऐसे प्रिटेंड करता है कि कुछ नहीं हुआ है, और जिंग भी ऐसे ही प्रिटेंड करती है कि कुछ नहीं हुआ है। और तभी सीईओ पूछता है कि तुम लोग इतनी हरी में क्यों वापस आ गए, तुम लोगों को कुछ दिन का रेस्ट लेना चाहिए था और फिर वापस आना चाहिए था। तो अमेजिंग बताती है कि ने न्यूज देखी थी इंटरनेट पे दादाजी के बारे में, जिस वजह से हमें ऐसे जल्दी आना पड़ा। हाँ, और वो यही बताती है कि जो ही है वो बहुत ही ज्यादा वरीड है करके। तो सीईओ को याद आता है कि कैसे ही एरोप्लेन से डायरेक्ट उतर के उसने कैसे सीईओ को गले लगा लिया था। अब क्या होता है, सीईओ ई की तरफ देखता है और थोड़ा सा ब्लश करने लगता है, और अपना हाथ और ई का हाथ एक दूसरे के हाथ में मतलब पकड़ लेते हैं। वो हाथ पकड़ के वो थोड़ी देर ऐसे बैठा होता है। तभी ई की थोड़ी सी आँख खुलती है, क्योंकि उसे लगता है ना कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा है। तो वो आगे खुल के देखता है कि वो सीईओ के कंधे पे लेटा हुआ है और सीईओ की भी आंखें बंद है। दोनों खुशी खुशी सो रहे हैं और वो अपने मन में सोचता है कि भाई ऐसा कैसे हो गया। और फिर वो उन दोनों के पकड़े हुए हाथ को देखता है और सोचता है कि ये थोड़ा ऑकवर्ड सा है करके। और ये के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आने लगते हैं कि ऐसे क्यों वो दोनों इस पोजिशन में मतलब सो रहे हैं करके। तो ये देखता तो है, लेकिन वो भी थोड़ा ब्लश करने लगता है, तो वो अपनी आंखें झट से बंद कर लेता है। और फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर सिर रख के सो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। अब क्या होता है कि ये बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ पर ये अंकल की जो बड़ी बहन है वो बैठे बैठे अपना मेकअप भी करा रही है और साथ में फोन में कुछ न्यूज भी सुन रही है। और फिर उसके बाद वो सोचती है कि क्या हुआ, उनका जो हॉट सर्च था वो डिलीट कैसे हो गया। और फिर से वो अपने हॉट सर्च को ढूंढने लगती है, लेकिन वहां पर पता चलता है कि जो लॉ के रेगुलेशंस के हिसाब से वो जो चेयरमैन है फैन ग्रुप के, वो कैन नॉट बी डिस्प्ले ये सजेशन। तो ये वाला जो सजेशन है उनके फोन में दिखा नहीं रहा है, मतलब किसी ने फैन ग्रुप की जो इंफॉर्मेशन है वो डिलीट कर दी है। और तभी ये देख के उसका मूड खराब होता है और बोलती है कि किसी ने हमारा न्यूज जो है ब्लॉक कर दिया है, टेक डाउन कर दिया है। तभी वो जो ब्यूटी पार्लर वाली औरत होती है उसको बोलती है रुको करके, और अपना हाथ भी उठा लेती है और किसी को फोन लगाती है बैठे बैठे। जब फोन कनेक्ट होता है तो वो पूछती है कि भाई क्या हुआ, कैसे इन लोगों ने हमारा जो हॉट सर्च था उसे डिलीट किया है, और तुमने कहा था कि ये नेक्स्ट वीक तक डिलीट नहीं हो सकता है, तो ये कैसे हो सकता है, तुम बताओ ये कैसे न्यूज डिलीट हो गया है। तभी दूसरा आदमी बोलता है कि मैडम सॉरी, हम ऐसे बिग स्टार को मतलब बिग फिगर को ऑफेंड नहीं कर सकते हैं, हमें डर है कि
ये आपके लिए भी ठीक नहीं होगा करके। और तभी ये जो लेडी है वो सोचती है कि कौन दिखती है, और फैन ग्रुप से भी कौन ज्यादा बड़ा है, मतलब जो मेरे जो सेकेंड ब्रदर है वो कंपनी के चेयरमैन बनने वाले हैं फ्यूचर में, और तुम कैसे ये एक छोटा सा काम मतलब फेल कर सकते हो, तुम्हें मनी चाहिए कि नहीं चाहिए, ऐसे करके वो बहुत चिल्लाती है। और वो बोलती है मैं तुम्हारे पैसे डबल करके दूंगी, लेकिन तुम्हें इस टॉपिक को इंटरनेट पे वायरल फिर से करना ही पड़ेगा, और यदि एज लॉन्ग एज तुम कर सकोगे तो ये मंडे तक हो जाना चाहिए। तो वहां से आदमी बोलता है कि मैडम ये पॉसिबल नहीं है, हमें ऊपर से ऑर्डर आए हैं और हमारे ऑफिसर्स ने भी हमें ये न्यूज टेक डाउन करने के लिए कहा है, और हमें अभी भी इस इंडस्ट्री में सरवाइव करना है, तो हम लोग ये रोल नहीं प्ले करेंगे, हम आपकी मतलब इस प्रॉब्लम में साथ नहीं देंगे। और तभी वो बताता है कि यदि हम लोग को ऑफर करेंगे तो हमारा जॉब भी जा सकता है। तो ये औरत पूछती है कि तो मुझे बताओ कि वो बिग फिगर कौन है, मैं उस बिग फिगर से बात करने की कोशिश करूंगी करके। तभी वो आदमी बताता है कि मैडम हमारा टारगेट जो है ये नहीं है, और हम लोग जो है छोटे मोटे आलू की तरह है, और जो हमारा हेड ऑफ द इंटरनेट प्लेटफॉर्म है उसे हमारे ऑफिशियल डिपार्टमेंट ने इनवाइट किया है करके, और जो ये कैंपेनियन का एम है वो सब चीजों को एलिमिनेट कर देगा, और रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से हमें ये ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे, और ये रियल टाइम हॉटस्टार जो है हम इसको नहीं चढ़ा सकते, और ये जो है फेक न्यूज है, हम इसे बिल्कुल भी बाय नहीं करेंगे, और हमारी जैसी छोटी कंपनियों के लिए लो लो की रखना ही ठीक होगा। तो ये जो औरत है वो देखती है और सोचती है कि अब मैं क्या करूं करके, और तभी वो सोचती है कि कौन है जो रूल्स के अगेंस्ट है, और हमें नहीं तो पनिशमेंट मिलेगा और वार्निंग भी मिलेगी, और वो फिर अपने मन में सोचती है कि ये बहुत ही सीरियस होता जा रहा है। अब क्या होता है, वो आदमी ये सब करने से मना कर देता है और फोन रख देता है, जिसकी वजह से ये जो लेडी है बड़ी बहन अंकल की वो सोचने लगती है कि क्या हुआ, और क्या ये डैड की तरफ से हुआ है, क्या डैड को पता चल गया है क्या कि मेरे भाई ने क्या किया है करके, और तभी वो सोचती है कि मुझे क्या करना चाहिए, और सोचती है कि डैड को शायद पता चल ही गया है करके, और बहुत नर्वस हो रही होती है, और तभी वो सोचती है कि इसके अलावा तो मुझे कोई और रीजन सूझ नहीं रहा है, तो वो कॉल करती है और ये कॉल जाता है और कनेक्ट होता है, तो उसके भाई को ये कॉल लगता है और वो बोलती है कि भाई हमारा जो प्लान है वो फेल हो गया है करके, और शायद डैड को पता चल गया है, तो वो उनका अंकल पूछता है, भाई उनका पूछता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, तो वो बताती है कि प्रेस जो है उसे म्यूट कर दिया गया है, और सारा प्लेटफॉर्म जो है उसको भी एडजस्ट कर दिया गया है, और पक्का डैड को पता चला होगा इसीलिए ये हुआ है, और सारी जो चीजें बहुत ही सीरियस होती जा रही है तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये जो उसका भाई है वो बोलता है कि पैनिक मत करो, हमको तो ये पहले से ही पता था और मैंने ये तुम्हें पहले से ही बताया था, और ये डैड से इसका कुछ लेना देना नहीं है, और वो तो अभी भी हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, और ये जो है नॉर्मल है, ऐसा होता है, और इंटरनेट में ऐसे मैच होते रहते हैं, और जो गवर्नमेंट है वो बहुत पहले से ही इसे एडजस्ट करना मांग रही थी करके, बिसाइड्स जो है इसके अलावा हमारा कोई भी मेंबर फैमिली का इस इंडस्ट्री में क्या कहते काम नहीं कर रहा है, तो डैड के पास कोई भी एक्सेस नहीं है सारे प्लेटफॉर्म को रिसर्च करने का, तो ये डैड नहीं हो सकते, तो इसकी बहन बोलती है क्या सच में, बट मुझे बहुत ही अजीब सी फीलिंग हो रही है, तो इसका भाई यानी सीईओ का अंकल बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे गोल की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं, और बड़ा खुश हो रहा होता है, और बोलता है कि जो न्यूज है वो वैसे भी अच्छे से फैल चुकी है, और अब हम जो है बोर्ड मीटिंग को होल्ड करेंगे, और हम जो है बस आधे रास्ते में हैं, और इसके अलावा हमारे जो सीनियर शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने भी हमारी तरफ खड़े रहना चूज किया है, क्योंकि हमारे जो डैड हैं वो मर रहे हैं करके, और क्या कहते हैं
ऐसा हूँ जिसपे वो लोग भरोसा करते हैं अब, और मैं ही आगे बढ़ूंगा। अब घर दिखाते हैं, रूरू का टंकी दिखाते हैं, रूरू उड़ गया होता है, साथ में ये भी उड़ गया होता है, और दोनों बोलते हैं हमें रिवॉर्ड चाहिए करके। और ये और रूरू जो है दोनों गले मिलते हैं, और सीईओ पीछे से टूथब्रश में पेस्ट लगा के आया होता है, और वो जब ये देखता है तो बेचारा एकदम से देखता ही रह जाता है। और वहां पर दिखाते हैं कि नाश्ता भी तैयार हो गया है। अब तीनों एक टेबल पे बैठते हैं और धीरे धीरे खाना चालू करते हैं, लेकिन सीईओ अपने फोन में कुछ देख रहा होता है, और तभी सोचता है कि हॉटफ्लश जो था ग्रैंडफादर के बारे में, वो परमानेंटली कहीं चला गया है, और हमारे पीआर डिपार्टमेंट ने बहुत कोशिश की थी इसे डिलीट करने के लिए, लेकिन हम डिलीट नहीं कर पाए थे। लेकिन वो सडनली ये जो हॉट सर्च है वो कहीं चला गया है, तो वो सोचता है कि ऐसा किसने किया होगा। तभी ही बोलता है कि अपने फोन को देखना बंद करो और ब्रेकफास्ट पे ध्यान दो। और गुरु भी बोलता है कि हाँ हाँ अपना ब्रेकफास्ट करो। तो सीईओ बोलता है ओके करके अपना फोन रख देता है, और तभी ये बताता है कि तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने लिंग भाई को कहा था कि हॉट सर्च को हैंडल करे करके। मुझे नहीं पता कि मुझे अपना ग्रेटिट्यूड उसको कैसे एक्सप्रेस करना चाहिए करके। तो सीईओ के दिमाग में एकदम से बेल बजती कि ही लिंग वाई यानी जो ही की कजन है। तो ही बताता है कि हाँ उसने मुझे पूछा था कि उसे मेरी कुछ मदद चाहिए कि नहीं, तो मैंने हाँ कहा था। मुझे नहीं लगा था कि वो सारे न्यूज को शट डाउन कर देगी और वो र्यूमर्स फटाफट गायब हो जाएंगे करके। और तभी सीईओ सोचता है कि अब हमें उसको अच्छे से थैंक यू बोलना चाहिए। और फिर यहाँ पर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जो हमारे ये है सीईओ है, वो बता रहे होते हैं कि हमारा जो पीआर डिपार्टमेंट है वो ये न्यूज को बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहा था डील करने की, लेकिन नहीं कर पाया। बट ही फैमिली जो है उन्होंने एक मिनट में ही ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। और अपने मन में सोचता है कि मैं नहीं हूँ वो इंसान जिससे लिंग हेल्प करना चाहती थी। सीईओ अपने मन में सोचता है कि लिंग भाई मुझे नहीं हेल्प करना चाहती थी, एक्चुअली वो जिसे हेल्प करना चाहती थी वो ये है। तो ये जो है वो अपने मुंह में खाना डालते हुए खुश हो रहा होता है, और सीईओ उसे देखता है और अपने मन में सोचता है कि ये सारी चीजें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, और पता नहीं ये सब कैसे सॉल्व होंगी करके। और सीईओ ये भी अपने मन में सोचता है कि उसने यी को मदद करने के लिए की कोशिश की करके, क्योंकि सीईओ को अभी भी यी के बारे में पता नहीं है कि ये दोनों कजन है, तो वो ये सोचता है कि ये दोनों मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसा तो नहीं है। तो सीईओ से तभी पूछता है कि क्या तुम्हारे दिमाग में कोई बात चल रही है क्या, यदि कोई बात चल रही है तो तुम मुझे बता सकते हो। तो सीईओ बोलता है मतलब, तो ये बोलता है मैंने तुमसे तुम्हारे ग्रैंडफादर के बारे में अभी अभी पूछा था, लेकिन तुमने कुछ जवाब नहीं दिया। क्या वो ठीक हो रहे हैं, क्या वो जो मीडिया ने लिखा है क्या वो सच है? तो सीईओ बताता है नहीं, ग्रैंडफादर ठीक है, और जो डॉक्टर ने कहा है कि वो ऑपरेशन करने से ठीक हो सकते हैं, और जो है इसके बाद वो सिर्फ उनको रेगुलर चेकअप पे जाना है, इसके बाद सिर्फ उन्हें रेगुलर चेकअप पे जाना है, और उनका जो कैंसर है वो अभी वापस आ गया लेकिन ठीक हो जाएगा। तो ये बोलता है कि मुझे ये सुन के काफी खुशी हुई करके कि वो ठीक है। तभी को याद आता है कि कैसे वो सीईओ के गले मिल गया था, और तभी वो सोचता है कि ये सब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो बहुत इमोशनल हो गया था कि ग्रैंडफादर जो है वो मरने वाले हैं, और इसीलिए वो सीईओ को भाग के जाता है और हक कर लेता है, और अपने मन में सोचता है कि इसका मतलब ये है कि सीईओ को मेरे कंफर्ट की जरूरत नहीं है। तभी सीईओ पूछता है कि क्या तुम्हें हॉट फील हो रहा है, क्योंकि का मुंह बहुत ब्लश हो रहा होता है। तो ये बताता है कि भाई तुम किस बारे में बात कर रहे हो करते हैं। अब क्या होता है, ऑफिस का सीन दिखाते हैं, सब लोग मीटिंग में कुछ खुश 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 बात कर रहे होते हैं, और तभी दिखाते हैं कि जो सीईओ के अंकल हैं वो मीटिंग में आए हैं और बहुत ही खुश हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि सारा गेम उनके हाथ में है। मीटिंग के होल्डर्स भी उनको देख के थोड़ा स्माइल लेते हैं, और ये जो बहन है ये भी थोड़ा सा खुशी दिखाई दे रही होती है। सब एक दूसरे को देख रहे होते हैं, और अंकल भी बहुत खुश
खुश हो रहे होते हैं और बोलते हैं कि चलो अब हम बोर्ड मीटिंग को जो है चालू करते हैं। ऑफिस का सीन दिखाते हैं, डॉक्टर शेयर होल्डर्स का मीटिंग हो रहा होता है और हमारे अंदर बोलते हैं कि आप सबको पता ही होगा कि मैंने आप लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है और ये सडन बोर्ड मीटिंग के लिए क्यों मैंने यहाँ पर आप लोगों को बुलाया है। जो इतने सारे र्यूमर्स बाहर मार्केट में फैल रहे हैं उससे हमारी कंपनी को जो है बहुत ग्रेट लॉस हुआ है करके वो सारे लोगों को मीटिंग के सब समझाता है। और तभी वो बोलता है कि मैं जो हूँ फैंग ग्रुप का बंदा हूँ करके, तो मुझे जो है बहुत ही ज्यादा सॉरी फील हो रहा है कि ऐसा हमारी कंपनी के साथ हुआ है। तो सब लोग बात करने लगते हैं कि हाँ ये सही बोल रहा है, और वो लोग बोलते हैं कि हमारे जो शेयर्स है उनका भी प्राइस ड्रॉप हो गया है और ये हमारे कंपनी का इस वक्त का कंडीशन है। तो जो हमारे अंकल हैं वो बोलते हैं कि हाँ आपको भी ऐसा लगता है क्या कि हमारे कंपनी का कंडीशन ठीक नहीं है। तो वो बोलते हैं मतलब हमारा सीईओ का भाई जो है वो सोचता है, अंकल जो है वो सोचते हैं कि जैसा इंटरनेट पे कहा गया है कि हमारे जो चेयरमैन है फैंग ग्रुप के मिस्टर फैंग हुआरिन वो मेरे बिलव्ड फादर है करके, और वो बहुत ही सीरियसली इल है और मुझे डर है कि वो ज्यादा दिन तक खिंच नहीं पाएंगे। तो ये सब मीटिंग में बोल रहे होते हैं, फिर सब लोग कानाफूसी करने लगते हैं, फुस फुस करके थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। और तभी कुछ लोग बोलते हैं क्या ये जो र्यूमर थी वो सच्ची वाली र्यूमर थी क्या, और हमें इस बात पे भरोसा नहीं होता है। और तभी एक बोलता है कि लेकिन डिप्टी चेयरमैन ने तो अभी एडमिट किया है कि ऐसी र्यूमर हुई थी, तो हमें क्या करना चाहिए करके। और तो दूसरा बोलता है कि हमें एक नया चेयरमैन सेलेक्ट करने की जरूरत है। तो इनकी छोटी बहन को बहुत बुरा लग रहा होता है कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, और अंकल जो होते हैं वो बोलते हैं कि ये जो मीटिंग है मैं अपने फादर के बिहाफ में कर रहा हूँ करके, और चेयरमैन फैंग हुआरिंग के बिहाफ में, और जो ये हमारे फ्यूचर के लिए, फ्यूचर हमारी कंपनी के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा, तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि आप लोग क्या चाहते हैं करके, और मैं चाहता हूँ कि आप एक नए आप मुझे एक्टिंग चेयरमैन की तरह मेरे फादर के बिहाफ में चुने करके, और ये हमारे कंपनी के फ्यूचर के लिए है करके, और सब कुछ आप ध्यान में रख के थोड़ा कंसिडर करके अपना डिसीजन लीजिए। और बोलते हैं कि इससे पहले हम डिसीजन लें हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। तो सारे लोग फिर से खुशबूस करते हैं, बोलते हैं कि हाँ जो अंकल हैं ये वो बहुत ही केपेबल है, हमें इन्हें चूज करना चाहिए, इनसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं होगा, और क्या ये हमें आज ही करना होगा। तो दूसरा बोलता है हाँ हम इससे ज्यादा देर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे जो शेयर प्राइसेस है वो ड्रॉप हो रहे हैं। तभी इनकी बड़ी बेटी जो होती है ग्रैंडफादर की वो रोने लगती है और बोलती है कि डैड जो है वो हॉस्पिटल में और मेरा जो भाई है वो कंपनी की सारी चीजों को हैंडल कर रहा है और वो डैड को बहुत समय से हेल्प भी कर रहा है और बहुत हार्ड वर्किंग है और वो मार्केट को सबसे अच्छे से जानता है क्या। तो मैं अपना सारा जो वोट है पहला वोट मैं अपने भाई को देना चाहती हूँ करके। तो सभी लोग बोलते हैं ठीक है ये राइट है और ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग पर्सन है और इसे बहुत नॉलेज भी है और ये कंपनी को हैंडल कर लेगा करके। और तभी दूसरा बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि सीईओ के अंकल की एबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी है और हम लोग जो है अब ओल्ड हो गए हैं लेकिन अब नई जनरेशन जो है वो ज्यादा एडवांस है करके, और ये हार्ड जॉब जो है और इसी के हाथ में हमें दे देना चाहिए क्योंकि ये केपेबल है। तो हमारा सीईओ का अंकल बहुत खुश हो रहा होता है और बोलता है कि आप लोग मुझे बहुत ही फ्लैटर कर रहे हो, मेरी बहुत सारी तारीफ कर रहे हो करके। तभी इनकी छोटी बहन फिर से इन्हें देखती है और सोचती है कि अभी तक जिन याओ क्यों नहीं आया है, और तभी बड़ी बहन बोलती है कि जो डैड जो है वो सारे सिबलिंग्स को बहुत प्यार करते हैं और वो सभी लोगों को अपना अपना शेयर सूनर और लेटर दे देंगे करके, और फ्यूचर में हमारा जो शेयर का रेशियो है वो भी बराबरी का होगा और मेरा जो भाई है वो बहुत ही अच्छा बेस्ट कैंडिडेट है चेयरमैन की एक्टिंग करने के लिए। तो ये हमारा मेरा जो भाई है वो फ्यूचर में यहाँ का चेयरमैन ही होगा। तो सीईओ का भाई बोलता है कि आप लोग अपना टाइम लीजिए और आराम से सोचिए और एकदम रीजनेबल चॉइस लीजिएगा, और सब लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, फिर से खुशू खुशू हो रहा होता है। और सीईओ का भाई मीटिंग में बैठे सभी लोगों को अंकल जो है सब इनको देख रहे होते हैं करके। अब तभी हमारा सीईओ का अंकल कुछ बोलता है और बोलता है कि हम वोट स्टार्ट करते हैं। तभी दरवाजा खुलता है और वहां से आवाज आती है कि यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग है, मुझे बताया भी नहीं गया। और जैसे ही देखते हैं तो वहां पर पता चलता है कि दादाजी और सीईओ
और यहाँ पर आ चुके हैं और हमारे सीईओ के अंकल को शॉक लगता है और दादाजी बोलते हैं कि तेंजेंग तुमने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। तो सीईओ के अंकल को एकदम से शॉक होता है कि यहाँ कैसे आ गए, इन्हें तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था। सेम शॉक उनकी बड़ी बहन को भी लगता है और सभी मीटिंग के मेंबर्स को लगता है। तभी सीईओ के अंकल पूछते हैं कि आपको तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था, आप यहाँ कैसे आए। और तभी हमारा सीईओ अपनी कुर्सी पे बैठता है और तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं कि हाँ सही कह रहे हो, मुझे हॉस्पिटल में होना चाहिए था, मेरी एक छोटी सी सर्जरी थी लेकिन तुम लोगों ने ऐसा दिखाया कि मुझे बहुत बड़ा कुछ हो गया है और तुम लोगों ने बोर्ड ऑफ मीटिंग भी रख ली। और जो लोग नहीं जानते हैं कि असली बात क्या है वो तो यही सोचेंगे कि मैं मर गया हूँ। तो सीईओ के अंकल को एकदम से और शॉक लगता है और बोलता है कि आप ना मजाक उड़ाना बंद कीजिए, आपकी हेल्थ से ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आपको हॉस्पिटल वापस जाना चाहिए, मैं यहाँ कंपनी की टेक केयर पूरी कर लूंगा। दादाजी ना बहुत तिरछी नजर से देखते हैं और गुस्से में देखते हैं। और तभी उनकी बड़ी बेटी बोलती है कि हाँ डैड आपको कैंसर है और वो लास्ट स्टेज पे है, तो मैं जानती हूँ कि आप ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो लेकिन आपको आपके ट्रीटमेंट के साथ कॉपरेट करना चाहिए। तभी सारे लोग सुनते हैं कि इनको कैंसर है और फिर कानाफूसी चालू कर देते हैं और सोचते हैं कि इनके पास टाइम कम बचा है। और लेकिन दूसरा बोलता है कि ये बहुत ही सीरियसली इल नहीं दिख रहे हैं, ये तो काफी तरोताजा दिख रहे हैं। तभी इनके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मैं क्या है ऐसी छोटी छोटी मुझे एक बहुत छोटा सा ट्यूमर है करके, कुछ बड़ी बात नहीं है करके। और लेकिन यहाँ पर सबको बोल दिया गया कि मुझे एक कोई बहुत ही बड़ी बीमारी है और मैं लास्ट स्टेज पे हूँ करके। और तभी वो बोलता है कि टाइम हीलिंग तुम बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकती ना मेरे मरने का, तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं। तभी लड़की उसके बोलती है नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं सोच रही हूँ, डॉक्टर ने ऐसा कहा है करके, और डॉक्टर ने ही मुझे ऐसा कहा था। तभी सीईओ के अंकल बोलते हैं डैड और आपको, तभी ग्रैंडफादर्स की बात को अनदेखा करते हुए बोलते हैं जेंटलमैन आप लोगों को कोई वरी करने की जरूरत नहीं है, मेरा हेल्थ बिल्कुल ठीक है और ये बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, सर्जरी होगा तो मैं एकदम ठीक हो जाऊंगा, इंटरनेट की सभी बातों पे विश्वास ना करो। और तभी मेरा जो है ऐसा हेल्थ ऐसा नहीं है जैसा इंटरनेट पे कहा गया है। और जो ये कंपनी है और कंपनी के बोर्ड ऑफ मेंबर्स है वो हमारे फैमिली जैसे है करके। और तभी सीईओ भी सुन रहा होता है और सोचता है कि कोई कंडीशन इनसे छुपाई नहीं गई थी और सर्जरी भी होने ही वाली है, और सर्जरी होने के बाद दादाजी जो है वो फिर से कंपनी में काम करना शुरू कर देंगे। और तभी दादाजी बोलते हैं कि जो बात र्यूमर्स की है इंटरनेट की वो तो मैं पता करके ही छोड़ूंगा कि किसने ये बात मेरे पीठ पीछे फैलाई है करके। तो सीईओ के अंकल को फिर से शॉक लगता है और वो सोचता है कि इसका प्लान फेल हो गया, अपनी मुट्ठी बीज लेता है। और जो इनकी बड़ी बहन होती है वो ड्रामेटिक हो जाती है और बोलती है ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, डैड को तो सीरियसली इल होना चाहिए था, क्योंकि आखिरकार वो भी चाहती थी कि उसके डैड मर जाए। अब कंपनी में सारे लोग मीटिंग में डिस्कस करने लगते हैं, फिर तो कानाफूसी होने लगती है। और तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मैं यहाँ पर एक और एक बात अनाउंस करने के लिए आया हूँ, मैं 5% शेयर जिन याओ को दे रहा हूँ जो उसके डैड ने उसके लिए छोड़े थे, मैंने बहुत समय तक उसके शेयर का ध्यान रखा और अब टाइम आ गया है मैं उसके उसके शेयर उसको वापस दे दू करके। तो और वो जो है एक डिसेंट और अच्छा यंग मैन भी है, ये बात सुन के अंकल और भी क्रोधित हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि इसको सारे शेयर मिल जाएंगे। और ग्रैंडफादर ये भी डिक्लेयर करते हैं कि वो उनके खुद के शेयर में से भी 3% उसको शेयर देंगे। तो इन दी एंड क्या होता है, हमारा सीईओ को 5 और 3% जो शेयर मिलते हैं वो उसके खुद के शेयर के साथ मिला के काफी सारे शेयर हो जाते हैं। और वो बोलते हैं कि मैं बोर्ड ऑफ मेंबर्स को मतलब अब जिन जो है मेंबर ऑफ बोर्ड हो जाएगा मैं ये उनको रिकमेंड कर रहा हूँ। और तभी सब लोग सोचते हैं मेंबर ऑफ बोर्ड करके, तो वो बोलते हैं लेकिन इसको तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और उनकी बड़ी बेटी जो होती है वो बोलती है कि डैड आप अपने दिमाग से बाहर हो गए हैं, आप क्या वाकई में ऐसा करना चाहते हैं, जो जिन याओ है वो अभी यंग है और वो कैसे इस पोजीशन के लिए क्वालिफाइड है। तो अंकल बोलते हैं कि डैड आप फिर भी दो बार सोचिए और ये बोर्ड ऑफ मेंबर्स जो है वो अप्रूव नहीं करेंगे। तो जो ग्रैंडफादर है बोलते हैं क्या तुम्हें लगता है कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ तो मैं बेवकूफ हूँ, क्या तुम सोचते हो कि मुझे कुछ नहीं पता कि कंपनी में क्या चल रहा है। और तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मैं इसे सिंपल और क्लियर कर देता हूँ सभी लोगों को कि कुछ सालों से जिन याओ ने बहुत ही मेहनत की है, उसने बहुत सारी स्ट्रेटजीज बनाई है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स उसी की वजह से फेमस हुए हैं। और जो ये है हमारे क्या कहते हैं कंपनी के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा और उसने काफी सारे अच्छे अच्छे प्रपोजल्स और प्लान्स भी बनाए हैं और उसने अपना जॉब एक्चुअली बहुत अच्छा किया है। तो ये बात सुनकर ना अंकल एकदम से चौंक से जाते हैं और तभी उनकी बहन भी सोचती है कि कैसे पॉसिबल है और वो अपनी दूसरी छोटी बहन से पूछती है कि ये ट्रू है क्या। और तभी सीईओ को सब लोग देखने लगते हैं, सीईओ को समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। तो
ग्रैंडफादर बोलते हैं कि क्योंकि डेवलपमेंट से हमें बहुत सारे बेनिफिट हो रहे हैं और हमारे प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे बिक रहे हैं, तो मैंने और मार्केट ने भी उन प्रोडक्ट्स को अप्रूव कर दिया है। तो और जो हमारे कस्टमर्स हैं वो अब यंग हैं और जो हम लोग ओल्ड मैन हैं हम उनके साथ कैचअप नहीं कर सकते। तो जो मीटिंग के मेंबर्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं कि हाँ भाई अभी नई जनरेशन को ही सब कुछ पता है, और मैं अपने जो ग्रैंडसन का डिवाइस है मैं तो उसको जानता ही नहीं हूँ कि कैसे यूज करना है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है। और तो फिर ग्रैंडफादर बोलते हैं कि ये सिर्फ जिनयाओ के लिए नहीं है, हमारी कंपनी को जिनयाओ की खुद ने की कंपनी ने बहुत पीछे छोड़ दिया है करके, तो हमारी कंपनी के साथ उसको कुछ भी मतलब कम्पीट करने की जरूरत नहीं है, और हम उसी के बनाए हुए प्रोडक्ट्स और उसी की स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे। और तभी सीईओ को दिखाते हैं कि सीईओ कुछ सोच रहा है और बोलते हैं कि ये जो यंग मैन है वो इतना केपेबल होगा, लोग हमने सोचा नहीं था। और तभी बताते हैं कि फैन ग्रुप ने सेलफोन्स, टैबलेट्स और बहुत सारी पॉपुलर चीजें मार्केट में लॉन्च की हैं, और वो सारी की सारी बहुत जल्दी की जल्दी मार्केट से सोल्ड आउट भी हो गई हैं। तो अंकल को बहुत ही शौक लगता है कि ये सब कुछ जो था उसके पीछे हमारे सीईओ का हाथ था और सीईओ इतना केपेबल है करके। और तभी हमारे दादाजी बोलते हैं कि हो सकता है आप लोगों की नजर में अभी भी ये यंग मैन है और इसको कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत ही केपेबल है करके, और इसको सारे चीजें पता है कि कैसे मार्केट को लीड करना है। तो हमें लगता है कि उसे एक चांस देना चाहिए, और मैं सजेस्ट करता हूँ कि जिनग्याओ को एज ए एक्टिंग चेयरमैन मेरे एब्सेंस में काम करना चाहिए। ये बात सुन के भाई बहन और दोनों बहनों को शॉक लग जाता है, और जिन या को भी शॉक लगता है, मतलब हमारे सीईओ भी थोड़े शॉक्ड होते हैं। अब दिखाते हैं घर में बेल बजी है, और तभी दिखाते हैं कि मिस्टर ही और मिसिस ही अपने मिसिस ही के घर वालों से मिलने गए हैं, और मेड आती है और दरवाजा खोलती है और बोलती है कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तभी मिसिस ही बोलती है कि मैं यूशु हूँ करके, और वो अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ के आई होती है और बोलती है मैं अपने फादर को मिलना चाहती हूँ। और तभी हमारी जो दिखाते हैं कि बारी से इंपीरियल इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री दिखाते हैं, वहां पर एक आदमी आता है बोलता है मिस्टर जी मैं आपका न्यू एजेंट हूँ लिंशी। और तभी ना ई को शॉक लगता है कि इतना बड़ा आदमी कैसे मेरा एजेंट हो सकता है। अब क्या होता है कि मीटिंग रूम से सब लोग जाने लगते हैं, और तभी सीईओ जो है वो भी देखता है कि सब लोग बाहर जा रहे हैं। अब तभी दूसरा आदमी बोलता है डैड करके, और तभी उसके अंकल बोलते हैं, सीईओ के अंकल बोलते हैं कि आप हमसे सारा समय झूठ बोल रहे थे, आपको कोई भी बीमारी नहीं है यानी कि। तो उनकी लड़की बोलती है कि ऐसा आपने क्यों किया डैड, क्या मैं आपकी डॉटर नहीं हूँ क्या, और जो भाई है उन्होंने ये सब जो है वो कंपनी के लिए किया है करके, और ये बहुत ही अनफेयर है। तो दादाजी सुनते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं, शांत रहते हैं। तभी एक आदमी आता है और सीईओ को बुलाता है कि यंग प्रेसिडेंट, लेकिन फिर बोलता है कि नहीं अब से हम आपको हमारे यंग चेयरमैन बुलाएंगे करके, और बड़ी खुशी खुशी उसको चेयरमैन बोलता है। तो सीईओ जो है वो हल्की सी मुंडी हिलाते हैं कि हाँ भाई मैं समझ गया तुम्हारी बात को। अब क्या होता है दूसरी जगह पे यी की मम्मी को दिखाते हैं, वो बोलती है कि मेरा नाम युनशु है करके, और मैं अपने फादर से यहाँ मिलने आई हूँ करके। और तभी जो उनके फादर होते हैं वो कुछ कप से पी रहे होते हैं, और वो ये आवाज सुनते हैं तो बोलते हैं कि क्या हुआ करके, और उनके हाथ से कप गिरता जाता है और सोचते हैं कि वो वाकई में हमसे मिलने आई है, क्या मैंने सही सुना। तो दोनों पेरेंट्स दरवाजे की ओर देखने लगते हैं, और तभी मेड बोलती है हाँ वो आपकी बेटी जो है वो वाकई में आई है, और मैं यहाँ पर बहुत लंबे समय से काम कर रही थी लेकिन मैंने उन्हें कभी भी देखा नहीं था करके। तो ये सही नहीं होगा कि मैं उन्हें ऐसी इसी तरह से खड़ा रखूं। तभी जो मिस्टर ही होते हैं वो एकदम से बोलते हैं जल्दी जाओ और उन्हें घर के अंदर लेके आओ, इससे पहले कि वो भाग जाए वापस, उसको वापस अंदर लेके आओ, और उठ के वो चिल्लाने लगते हैं। तभी जो मिसेज ही होती है वो बोलती है डार्लिंग, और जो सर्वेंट होती है वो बोलती है मास्टर आप काम डाउन हो जाओ, आपके जो पैर हैं वो ठीक नहीं है, इस तरीके से अपने कोई स्ट्रेस मत करो, अपने पैरों का ध्यान रखो करके। और तभी कहा उनको शांति होगी तो मिस्टर ही बोलने लगे तुम जल्दी से भागो और जाके डोर को ओपन करो। तो मिसेज ही बोलती है कि सिट डाउन हनी करके।
और बोलती कि तुम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हो, तुम बहुत देर के लिए खड़े नहीं हो सकते, तो तुम्हें बैठना चाहिए। और तभी जो मिस्टर ही होते हैं वो मिसेस ही का हाथ पकड़ते हैं, पूछते क्या वो सच में आ गई है, क्या हमारी जो डॉटर है वो सच में वापस आ गई है करके, क्योंकि उनको विश्वास नहीं हो रहा है। तो मिसेस ही बोलती है कि वो हमारी ही डॉटर है और वो वाकई में आ गई है और ये उसी को होना चाहिए। तो मिस्टर ही वापस जोश में आ जाते हैं, बोलते चलो चलो हम उसको जाके देखते हैं करके। अब दिखाते हैं कि गर्मा गर्म चाय टेबल पे परोस दी गई है और चारों लोग मिस्टर ही मिसेस ही और मिसेस ही और मिस्टर ही एक दूसरे को देख रहे होते हैं और ये लोग नर्वस होते हैं कि हम क्या कहें उनको, और ये लोग भी थोड़ा सा सोच रहे होते हैं कि हम भी क्या कहें करके। और तभी वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते और सोचे क्या करें। तभी मिसेस ही जो है वो अपनी तिरछी नजर से इशारा करती है मिस्टर ही को कि कुछ तो कहो तुम करके। तो मिस्टर ही उस टाइम पे एटीट्यूड दिखाते हैं और बोलते हैं कि ये गई थी घर छोड़ के और ये आई है अब हमारे पास, तो इसी को कन्वर्सेशन को जो है स्टार्ट करना चाहिए, पहले मैं क्यों करूंगा कन्वर्सेशन स्टार्ट। तो ये सब देख रहे होते हैं तो मिसेज ही इशारे में बोलती लेकिन कौन सबसे ज्यादा एक्साइटेड था और कौन अपनी सीट से ऐसे यहाँ से भाग के आ गया और यहाँ आके प्रिटेंड कर रहे हो करके। तभी मिसेज ही बोलती हैं कि मैं जो हूँ करके। तो दोनों हस्बैंड वाइफ अपराइट होके बैठ जाते सुनने के लिए क्योंकि बेटी क्या बोलना चाहती है, लेकिन बेटी जो होती है मिसेज ही वो नर्वस हो रही होती है और अपने हाथ पाथ जोड़ती है और थोड़ा सा नर्वसनेस में उसे समझ में नहीं आता है कि क्या बोलूं। तो उसके हस्बैंड उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और उसको मोटिवेट करते हैं कि तुम ये कर सकती हो। दोनों एक दूसरे को मुस्कुरा के देखते हैं और फिर मिसेज ही बोलती है कि डैड मैं जो हूँ करके। और तभी मिस्टर कुछ बोले उससे पहले मिस्टर ही सोचते हैं कि लड़के तुम अपना हाथ मेरी लड़की के कंधे पे से हटाओ, तुम्हें मेरे सामने ठीक से बिहेव करना चाहिए। वैसे अपने मन में सोचते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं है। और तभी मिसेज ही बोलती है कि तुम इस तरह से उसको डराना बंद करो। तो मिस्टर ही वापस बैठ जाते हैं और तभी मिसेज ही बोलती है कि तुम तो जानती हो तुम्हारे डैड का टेम्पर कैसा है। तो मिसेज ही जो होती है वो चुप हो जाती है, मतलब उनकी बेटी चुप हो जाती है। और तभी उनका दामाद बोलता है कि डैड मॉम मैं शू का हस्बैंड हूँ, मतलब उनकी बेटी का पति है और मेरा नाम यिनशेंग है करके, और हम बहुत समय से साथ में हैं और हमने हमारा ग्रेजुएशन वगैरह भी कॉलेज में साथ में किया है और हमें बहुत देर हो गई यहाँ आने पे, तो उसके लिए हमें माफ करेगा के। तो दोनों हस्बैंड वाइफ के दिमाग में एक ही बात आती है कि ये लड़का हमें डैड मॉम क्यों कह रहा है और हम लोग इसके डैड मॉम नहीं है। और ये लड़के ने तो हमारी डॉटर को भगा के ले गया था, तो ये कैसे हमें डैड मॉम कह सकता है। और उस टाइम पे मेरी लड़की जो थी वो बहुत ही यंग थी और कैसे इसने हमारी लड़की को बहला फुसला लिया करके। अब क्या होता है कि इनकी बेटी कुछ बोलने की फिर से कोशिश करती है और फिर से बोलती है डैड मॉम, फिर बोलती है मैं उस टाइम पे रॉन्ग थी और मुझे ऐसे घर से बिना कुछ बोले नहीं भाग जाना चाहिए था, मैं बहुत ही ज्यादा उस टाइम पे सेल्फिश थी और मैंने इस पूरे साल में रिग्रेट किया कि मैंने यदि थोड़ा करेज किया होता और आप लोगों को बताया होता तो मैं इस तरीके से घर नहीं छोड़ के जाती और मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया। तो मिसेज ही ये बात सुनती है तो वो बहुत इमोशनल हो जाती है। तभी मिसेज ही बताती है कि मैं बहुत अफ्रेड थी कि आप लोग मुझे ब्लेम करेंगे और मुझे अपनाने से इनकार कर देंगे करके, कि मैं फिर वो बताती है कि मैंने अपनी शादी यिनशेंग के साथ करी और हमारा एक बेटा भी है और हम लोग इतने सालों से हैप्पीली रह रहे हैं करके, और लेकिन मुझे इसी बात का रिग्रेट होता है कि मैं इतने सालों से आप लोगों के साइड में नहीं थी और मैं बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल वाली डॉटर हूँ करके, आई एम सॉरी करके वो बोलता है। वो अपने माता पिता से सॉरी बोलती है और उसके माता पिता भी जो है बहुत इमोशनल से हो जाते हैं और बोलती है डैड मॉम, और उसकी आंखों में आंसू भी आने लगते हैं और पूछती है कि आप मुझे माफ कर देंगे। और तभी मिसेज ही बोलती है कि मैं तुम्हारा बहुत समय से इंतजार कर रही थी और हम लोग सभी तुम्हारा बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, और वो भी रोने लगती है और बताती है कि तुम्हारे डैड ने भी बाद में बहुत रिग्रेट किया और हम लोगों को तुम्हें ऐसे फोर्स नहीं करना चाहिए था। और तभी उनके फादर बोलते हैं कि चलो तुम घर आ गई और मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगा, जो तुम नहीं करना चाहती उसके लिए मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, तुम्हें
लॉन्ग एज तुम हैप्पी हो, और तुम्हें ये सब अपने सिर पे ब्लेम लेने की जरूरत नहीं है। हम सबसे मिस्टेक होती है, हम सब तुम्हारा अच्छा चाहते थे करके, और हम लोगों को तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहिए था उस इंसान से शादी करने के लिए जिसे तुम पसंद नहीं कर सकती हो। और हमें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता था कि तुम क्या चाहती हो। और तुम्हारे फादर और मेरी जो शादी थी वो भी फैमिली के इंटरेस्ट के द्वारा ही हुई थी करके, और हम लोगों ने अपना खुद का चॉइस ऐसा चुना था। अब ये दिखाते हैं जब मिस्टर ही और मिसेस वी जब यंग थे तो उनकी शादी कैसे हुई थी करके। और फिर लेकिन धीरे धीरे हम समय के साथ लव में लव करने लग गए, और हमारा जो लाइफ था वो बहुत हैप्पीली बीतने लगा, और हमें ऐसा लगा कि सेम चीज तुम्हारे साथ भी होगी। एंड फाइनली मुझे रियलाइज हुआ कि तुम्हारी जो आकांक्षाएं हैं वो अलग हैं, और तुम्हें एक हैप्पी मैरिज की भी जरूरत है करके, और तुमने जो डिसीजन लिया वो तुम्हारा अपना डिसीजन था, और तुम जिसके साथ रहना चाहती हो उसी के साथ तुम अपनी जिंदगी बिताना चाहती हो करके। तो मैं और तुम्हारे डैड जो है वो तुम्हें किसी भी चीज के लिए अब फोर्स नहीं करेंगे। और तभी मिसेज ही की आंखों में आंसू आते हैं, बोलती है ये बहुत लेट हो गया है कि अब मुझे डैड फोर्स करे। मैं और मिस्टर ये पहले से ही शादीशुदा है, और हमारी जो लाइफ है बहुत ही हैप्पी है। हमारा हमारा सन है, और हमारा सन भी अब फादर बन चुका है। तो मिसेज ही बहुत खुश हो जाती है, पूछती सच में कि मेरे पास एक ग्रैंडसन भी है करके। और तभी मिस्टर ही बोलते मुझे लगा था कि वो सिंगल है, और मैंने उससे पूछा था कि तुम डेट कर रहे हो या नहीं, तो उसने नहीं कहा था, और वो कैसे ऐसा कह सकता है। तभी मिसेज ही अपने ग्रैंडफादर मतलब अपने हस्बैंड का हाथ पुल कर लेती है, और तभी मिस्टर ही बताते हैं कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हमारा जो सन है और उसके पास वाकई में एक छोटा बेटा है, उसका नाम रूरू है, और वो किंडर गार्डन में जाता है। तभी ये जो मिसेस ही के पेरेंट्स हैं वो बोलते हैं डैड मॉम हम उसको यहाँ लेके आएंगे जब नेक्स्ट टाइम आएंगे। और ये फिर यही चीज ना मिसेस ही का हस्बैंड भी बोलता है, तो उन लोगों को बड़ा बुरा लगता है कि ये कैसा शेमलेस आदमी है जो हमें अभी भी डैड मॉम बुला रहा है, जबकि इसने तो हमारी लड़की को भगा के शादी करी थी। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ही अपने एजेंट से पूछता है कि तुम मेरे एजेंट हो, और फिर उससे हाथ मिलाता है, और तभी बोलता है कि मुझे तो लगा था कि तुम मेरे असिस्टेंट हो करके। और उसमें फिर ही के साथ में जो पिछली बार मिले थे तो कैसी पिक्चरें आई थी वो दिखाता है, तो बोलता है कि तुम्हारा प्रमोशन हो गया। और तभी वो लोग तो पीछे से बोलते हैं कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो, और वो बताते हैं कि इससे पहले कि लिन जो था वो तुम्हारा असिस्टेंट बने वो मिस्टर बाई का सबसे बेस्ट एजेंट है, और तभी बताते हैं कि वो बहुत ही बेस्ट है करके, और उन्होंने कितने सारे स्टार्स को फेस किया है और उन्हें सक्सेस दिलाई है, तो मिस्टर ही तुम लकी हो, बहुत लकी हो करके। तो दूसरा आदमी बोलता है मुझे पता था कि तुम बहुत ही पावरफुल बैकग्राउंड से हो, और तुम्हें इन्होंने कास्ट के लिए स्पेस ट्रेवल के कास्ट के लिए भी तुम्हें चुना है, और मिस्टर लिन अब तुम्हारे एजेंट भी बन गए हैं, और तुम्हारा जो फ्यूचर है बहुत ही अच्छा होगा। और तभी ये बोलता है कि मुझे नहीं लगा था मिस्टर ये लिन कि आप बहुत ही अमेजिंग इंसान है, और ये बहुत खुश हो रहा होता है, और बोलता है कि मुझे माफ करना मैंने आपको ठीक से उस टाइम पे पहचाना नहीं। पर फिर वो पूछता है आपने मुझे सडनली क्यों चूज किया है, और आप जानते हैं मेरे में अभी भी कमियां हैं, और क्या कहते हैं आपको पता है कि मैंने जैसे अभी अभी जॉब लिया है, मेरा कुछ इतना अच्छा फेमस भी नहीं हूँ। और तभी मिस्टर लिन बोलते हैं कि ठीक है यदि तुम्हें ये सब पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब ये कि तुम्हें अपने आप को और इम्प्रूव करना है और तुम मेरा रेपुटेशन नहीं बिगाड़ना। तो ये बोलता है ठीक है एज लॉन्ग एज आप मुझे गाइड करने के लिए तैयार है मैं अपना बेस्ट अशॉर्ट दूंगा हर चीज में। और तभी मिस्टर लिन बोलते हैं ठीक है हम असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे, तो ये सोचता है कि कौन सा नेक्स्ट असाइनमेंट। और मिस्टर लिन बोलते हैं कि जो तुम्हारा नेक्स्ट असाइनमेंट है वो ये है कि तुम्हें अपना सारा काम पीछे छोड़ के आना होगा। तो ये तो समझ में नहीं आता है, वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। और तभी मिस्टर लिन बोलते हैं कि तुम्हें रियल लाइफ कैसे होती है ये तुम्हें एक्सपीरियंस करना होगा करके। तो ये अभी भी कंफ्यूज होता है और मिस्टर लिन को देखता रहता है। अब क्या होता है दिखाते हैं कि ये लोग बाहर ट्रेन स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, वहां पर कितनी भीड़ है
और तो ये सब देख के ये जो होता है थोड़ा सा और शौक सा होता है, और तभी देखता है कि कैसे लोग आते जाते हैं और धक्का लगता है, और कैसे ट्रेन में कैसे टिकट लेने के लिए और इधर उधर जाने के लिए स्ट्रगल होता है। वो ये भी देखता है कि कोई वहां बैठ के नूडल्स को कैसे खा रहा होता है। तभी उसके कंधे पर मिस्टर बाई आके हाथ रखते हैं, जिनके हाथ में 4 डकी नूडल्स होते हैं, जिसका फ्लेवर पिकल का फ्लेवर होता है, और टेस्टी डकी नूडल्स भी होते हैं, और यी को देते हैं, और फिर यी उन नूडल्स को पकड़ के खड़ा हो जाता है। अब क्या होता है, नेक्स्ट सीन आता है कि हॉस्पिटल में जाना है, तो हॉस्पिटल में क्या क्या होता है ये यी को जो है एक्सपीरियंस करना है। वहां वो दिखता है कि कैसे छोटा बच्चा रो रहा है, और कैसे लोग बच्चे को लेके खड़े हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कैसे फोन पे बात कर रहे हैं, किसी को स्ट्रेचर पे लेके जा रहे हैं। तो वो इधर उधर देखता है, तभी उसे फिर से एक बार पोक होता है, और इस बार कुछ मेडिकल रिकॉर्ड्स जो है दिखाए जाते हैं, जिसमें लिखा होता है कि ये जो है वो यहाँ पर मेडिकल चेकअप के लिए आया होता है, और उसको कैश में पेमेंट देना है, और सब देख वेख जो भी एक मेडिकल रिपोर्ट में होता है वैसा लिखा होता है। तो ये भी वो मेडिकल रिपोर्ट पढ़ रहा होता है, क्योंकि ये यहाँ एक्सपीरियंस लेने आए हैं, तो इन्हें खुद बहुत सारी चीजें खुद से करनी भी पड़ेंगी करके। और तभी दिखाते हैं कि वेजिटेबल मार्केट आ गया है, वहां पर कोई पूछ रहा है कि ये कितने का है, तो वो उसका दाम बताते हैं कि ये पर किलोग्राम है। फिर कोई पूछता है कि क्या आप हमें इस पर डिस्काउंट दे सकते हो, तो कितना डिस्काउंट दे सकते हो। फिर वो एक सब्जी को चूज करते हैं, और फिर ऐसे करके सब्जी का एक भाव जो है वो सबसे लोएस्ट तय करते हैं, तो दूसरा आदमी वो मान जाता है। और तभी मिस्टर बाई जो है ये को खींचते हैं और आगे ले जाते हैं, और बोलते हैं देखो वहां देखो, तुमको जो है ग्रीन ऑनियंस हाफ प्राइस में मिल रहे हैं, तो तुम्हें वो भी खरीदने हैं करके। और वो बोलता है लेट्स गो, और फिर ये को पकड़ के अपने साथ ले जाने लगता है। तो ये वहां पर देखता है कि सब लोग कैसे दिख रहे हैं, जो रियल लाइफ का एक्सपेक्ट होता है वो कैसा होता है। और तभी लिन जो है वो बोलता है कि तुमको जो है रियल लाइफ के रोल्स को प्ले करना पड़ेगा, जो तुम्हारा अपकमिंग प्रोजेक्ट है उसमें करके। तुम सिर्फ ऐसे ही एक्ट नहीं कर सकते हो जैसे तुम अभी तक एक्टिंग कर रहे थे। फिर ये भी सोचता है कि हाँ भाई सही बोल रहे हैं, और क्या कहते हैं ये सोचता है कि ये भी सही है कि पूरा समय किसी को कॉपी करने से तो अच्छा है कि हम लोगों को खुद जाके देखें कि कैसे क्या वो काम करते हैं, और हम रियल लाइफ से एक्सपीरियंस लें करके। तो वो सोचता है कि ठीक है, मुझे सब चीजों को देखना चाहिए, और मुझे उन चीजों को देख के वैसा ही फील करना चाहिए जैसा कि रिक्वायरमेंट होती है करके लाइफ की। अब मिस्टर लिन बताते हैं कि जैसे जगह है, जैसे ट्रेन है, हॉस्पिटल है, मार्केट है, ये सब जगहों पर तुम्हें नॉर्मल पीपल दिखाई देंगे कि उनका नॉर्मल लाइफ कैसा होता है, और मुझे उम्मीद है कि तुम इन लोगों को देख के इस बचे हुए समय में तुम सीखोगे कुछ। तो ये उसकी बातें बहुत ध्यान से सुनता है। तभी मिस्टर भाई आते हैं और बोलते हैं कि यंग मैन, तुमने तो बहुत सारी चीजें खरीद ली है, और जो ये ग्रीन ऑनियंस है ये तो हमें गिफ्ट में मिली है, क्योंकि हमने इतना सामान जो है वो खरीदा है। और वो बहुत खुश होते हैं और थैंक यू बोलते हैं। तो ये जब देखता है कि इतनी सारी बास्केट भर गई हैं, तो मिस्टर भाई से पूछता है कि आपने ये सब इतना सारा क्यों खरीदा है, ये सब बहुत लवली भी है लेकिन बहुत हैवी भी है। और तभी वो सब उठाता है और बोलता है कि मुझे लगा था कि हम यहाँ सिर्फ देखने के लिए आए हैं, हाँ मुझे नहीं पता था कि हम सच में सब्जी खरीदेंगे। तो मिस्टर भाई बोलते हैं कि यदि हम खरीदेंगे नहीं तो तुम्हें रियल लाइफ का कैसे एक्सपीरियंस होगा, और तुमने सुना नहीं मिस्टर लिन ने कहा है कि तुम्हें सर ये सब चीजों का एक्सपीरियंस करना है करके। तो ये बोलता है हाँ ठीक है, ये बात भी सेंस बना रही है। तो मिस्टर भाई बोलते हैं तो हमें खरीदते रहना है, और वो बोलता है कि ठीक है मुझे और ज्यादा ऑनियंस दो। और तभी ये बोलता है कि मिस्टर भाई मुझे लगा था कि आप बिजी हैं वर्क के साथ करके, तो आप सडनली यहाँ क्यों आ गए मुझे एक्सपीरियंस कराने के लिए। और तो मिस्टर भाई बोलते हैं वर्क कौन सा वर्क, मेरे पास कोई वर्क नहीं है करके। और फिर ऐसा जब सुनता है तो ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, और तभी मिस्टर भाई बोलते हैं कि मैं कुछ काम वाम की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे तो सिर्फ गॉसिप्स करना पसंद है, और मैं गॉसिप्स के ऊपर ही जीता हूँ। और तभी वो पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास
कुछ ऐसा है जो तुम करना चाहते हो, मतलब तुम्हारा कोई ड्रीम है या कुछ, और तभी ऐसा कुछ होगा तुम्हारे अंदर जो तुम्हें करना है। तो तुम अपना सारा टाइम यहाँ पर क्यों मतलब ऐसे बिताते हो? तो मिस्टर भाई बोलते हैं कि हाँ, मुझे भी, मेरे भी कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ है जो मैं करना चाहता हूँ। और बोलता है कि मेरा ड्रीम क्या है कि मुझे काम नहीं करना है, मैं बिना काम के जीना चाहता हूँ करके। ये मिस्टर भाई का ड्रीम है और मुझे सारा दिन गॉसिप सुनना अच्छा लगता है। ये सुन के ही कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या बोले, क्योंकि एक आदमी का ड्रीम है कि उसको काम नहीं करना, सिर्फ उसे गॉसिप करनी है। और तभी ही अपने मन में सोचता है कि अच्छा, तो इस तरह के होते हैं रिच लोगों के जनरेशन के बच्चे करके। अब दिखाते हैं कि हमारे जो सीईओ हैं वो ऑफिस में काम कर रहे हैं, और उनका मैनेजर आता है और बोलता है कि आपके जो अंकल है उन्होंने आपको ओवरसीज की ब्रांच में शिफ्ट करने का फैसला किया है, और जो तुम्हारी फर्स्ट आंट है वो ओल्ड मास्टर के साथ बैठी थी और उन्होंने बात की है कि वो बिजनेस में से अपने आप को खींच लेंगी करके। तो सीईओ सुनता है और ओके बोल देता है और कुछ पेपर में लिख रहा होता है। और तभी वो उसको बताते हैं कि आपके अंकल ने जो अभी तक गिव अप नहीं किया, तो जिंगयाओ तुम्हें केयरफुल लेने की जरूरत है। तो जिंगयाओ की जो ये है छोटी आंट है वो बताती है कि तुम शादी के बारे में थोड़ा सोचो, और अब तुम चेयरमैन के रूप में हो तो यदि तुम्हें कहीं से सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन यदि तुम शादी के बारे में सोचोगे तो तुम्हें तुम्हारी ब्राइड की फैमिली की तरफ से फ्यूचर में सपोर्ट मिलेगा, और तुम्हारा जो कजन है जिन्हा वो भी किसी लड़की को और चेस कर रहा है करके, ही फैमिली की लड़की को। तो सीईओ ये सुनता है और वहां पर बताते हैं कि यदि वो मिस्टर ही की फैमिली के अंदर शादी करेगा तो उन लोगों को बहुत ही ज्यादा ग्रेट हेल्प होगा करके। अब जो तुम्हारे अंकल हैं वो भी इस चांस को जाने नहीं देंगे, तो लेकिन तुम यंग लोगों को ये शब्द सुनना बुरा लगता है, लेकिन मैं फिर भी ये शब्द कहूंगी कि कोई भी चीज के लिए हमें एक प्राइस पे करनी होती है, और हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी रेपुटेशन के, प्रॉस्पेरिटी के और हमारी फैमिली के। तो तुम जो हो, तुम्हें इस मैटर को थोड़ा सा डीप में सोचना चाहिए। सीईओ सब सुनता है, फिर बोलता है कि आंटी मैं जानता हूँ आप क्या कहना चाहती हो, और हो सकता है कि मैंने बहुत कड़ी मेहनत नहीं की हो और तभी ऐसा अरेंजमेंट मेरे लिए किया होगा, और मैं इस तरह की जिंदगी जीने जीते जीते इस जिंदगी को ऐसे तरीके से जीने का आदी हो गया है, और मैं जो हूँ उन्हीं लोगों के साथ रहना चाहता हूँ जिनसे मैं प्यार करता हूँ, और मैं किसी भी पर्पस या बेनिफिट के लिए कुछ नहीं करना चाहता हूँ। जो ट्रांजेक्शन है शेयर होल्डिंग का मेरे और ओल्ड मास्टर के बीच में वो तो पहले ही हो चुका है, और हमने पब्लिक में भी इसको डिक्लेयर कर दिया है करके। तो सीईओ जो है अभी भी पेपर वर्क में देख रहा होता है और सुन रहा होता है। तो मैनेजर बताता है कि मिस क्वीन जो है उन्होंने आपको डिनर पे इनवाइट किया है करके। आप दिखाते हैं कि साफ सफाई चल रही होती है, और मिसिस ही जो है बोलती है कि मिस्टर ही अब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब दोनों हस्बैंड वाइफ ना अपना घर साफ कर रहे हैं। तभी मिस्टर ही बोलते हैं कि तुम्हें तो पहले ही अपने घर वालों से मिल लेना चाहिए था, मैं जानता था कि तुम्हारे मदर फादर जो है तुमको माफ कर देंगे, और मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को ब्लेम नहीं करेंगे, और तुम बेकार में ही इतना नर्वस हो रही थी। तो मिसेस ही बोलती है कि तुम कभी भी मेरे डैड से नहीं मिले थे जब तुम यंग थे, और वो बहुत ही जिद्दी टाइप के इंसान थे उस टाइम पे, उनके जमाने में कैसे वो जल्दी गुस्सा हो जाते थे, और कोई भी उनसे बात नहीं कर सकता था सिवाय मदर के, और जो मेरा ब्रदर और मैं थे हम लोग तो कुछ भी कहने से डरते थे, और हम उनके विल के बिना कुछ भी नहीं कर सकते थे।
हाँ, और पहली बार मैंने उन्हें डिसोबे किया था, मतलब पहली बार मैंने उनका कहावा नहीं माना था। मिसिस ये सब खुशी खुशी बता रही होती है। और वो ये था कि जब मैंने तुमसे शादी की थी, तब मैंने उनसे बिना पूछे ही शादी कर ली थी। तो मिस्टर यी को पीछे मुड़ के देखते हैं और बोलते हैं हनी। तो मिसिस यी भी बहुत ड्रामेटिक पर्सन है, तो वो तो बहुत जल्दी से प्यार में पागल हो जाती है। तो बोलती है मिस्टर यी, और फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मिस्टर यी बोलते हैं कि हम लोग ये चीज अपने बच्चे को यानी यी को कैसे समझाएंगे। तब मिसिस यी को थोड़ी चिंता होती है और वो बोलती है कि हाँ सही बात है, हम कैसे उसे समझाएंगे कि उसके पास एक ग्रैंड पेरेंट्स भी है, और वो भी इतनी अचानक उसके ग्रैंड पेरेंट्स मतलब आ गए हैं, हमने तो कभी उसे बताया ही नहीं है। और तभी बताते दूसरा सीन दिखाते हैं कि मिस्टर ही सोच रहे होते हैं कि यदि ये उन जो है एक्टिंग को क्विट कर दे और हमारा फैमिली बिजनेस टेक ओवर कर रहा है तो कैसा रहेगा, और ये उन और जो लिंग वाई है वो हमारी जनरेशन के बच्चे, और मैं जो हूँ ऐसे ओल्ड चीजों के साथ रख रख के थक गया हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि मैं अपना आधा प्रॉपर्टी के नाम पे कर दूंगा। और तभी दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मिसेज भी सोच रही होती है कि मेरे में और मेरे भाई में कोई भी एबिलिटी नहीं थी कि हम दोनों बिजनेस रन कर सके करके, और लिंग भाई का अपना एक ड्रीम है क्योंकि वो एक एक्टर बनना चाहती थी, और सेम यी उनका भी है, उसको भी एक्टिंग करना है लेकिन उसके एक्टिंग स्किल्स अच्छे नहीं हैं। ये सब बातें करते करते वो अपने बच्चे के एक्टिंग स्किल्स भी इमेजिन कर लेती है। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि हमारे बिजनेस को टेक ओवर कौन करेगा करके। तो मिस्टर ये बोल सोचते हैं कि हमारा जो बेटा है वो ये सब चीजें हैंडल नहीं कर पाएगा। तो मिसेस ही बोलती है चलो छोड़ो इन बातों को, ये सब बातें करना डिस्कस करना के लिए बहुत अभी अर्ली है, हमें पहले ये सोचना चाहिए कि हम कैसे अपने लड़के को मेरे फैमिली से मिलाएंगे। और वो ये भी बोलते हैं कि तुम्हें भी मेरी मॉम डैड को इम्प्रेस करना चाहिए जिससे कि वो तुमको जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट कर लें करके। तो मिस्टर ये खुश हो जाते हैं, बोलते ओके मैडम। अब क्या होता है, टैबलेट के ऊपर मिस्टर ही और मिसेस ही कुछ देख रहे होते हैं, और वो देखते हैं कि ये जो फोटो है वो किसी बच्चे की है, और ये जो बच्चा इतना अच्छा दिख रहा है वो वाकई में हमारे फैमिली का ही जीन्स है। और दोनों बहुत सेटिस्फाइड हो जाते हैं, बहुत खुश दिख रहे होते हैं क्योंकि ये लोग बेसिकली रूरू का फोटो देख रहे होते हैं कि रूरू कितना हेल्दी है, गोल मटोल है, और ऊपर से वो कितना स्मार्ट भी है और कितना ब्राइट बच्चा है। तो उनके हिसाब के से ये सारे गुण है वो बेसिकली उनकी फैमिली से ही आए हैं। तो भी उनकी मिसिस ही बोलती है कि कितना क्यूट है, और दोनों हस्बैंड वाइफ बोलते हैं कि तुमको मिस्टर ही जो है वो अपनी वाइफ से बोलते हैं कि तुमको मेरी बेटी से बात करनी चाहिए कि जब वो नेक्स्ट टाइम हमको विजिट करने आए तो रूरू को साथ में लेके आए।